अध्याय 13 संविधान शासन व्यवस्था और सामाजिक सरोकार। भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया और संविधान निर्माण के ऐतिहासिक संदर्भ के बारे में पढ़ा, साथ ही संविधान सभा में हुए वाद विवाद और भारतीय संविधान की उद्देशिका में दिए गए मूल्य व आदर्शों को समझने की कोशिश की। इस अध्याय में हम संविधान के अंतर्गत राजनैतिक संस्थाओं की संरचना, संविधान से होने वाले सामाजिक बदलाव के अवसर तथा संविधान के विकसित होते हुए स्वरूप का अध्ययन करेंगे। 13.1 संविधान में राजनैतिक संस्थाओं की संरचना। शक्ति का विकेंद्रीकरण। जब सत्ता का केंद्रीकरण होता है तो वह आम लोगों की पहुंच से दूर हो जाता है और उनकी जरूरतों व आकांक्षाओं को प्राथमिकता नहीं मिल पाती है। वास्तव में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जरूरी है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो और मोहल्ला, ग्राम, शहर, जनपद, जिला और राज्य स्तर पर लोगों द्वारा चुने गए ढांचे और उनके पास निर्णय लेने के अधिकार हों। गांधी जी के स्वराज की कल्पना में अधिकतम अधिकार ग्राम पंचायतों को दिया जाना था। स्वतंत्र भारत का संविधान बनाते समय यह विवाद का मुद्दा बना रहा कि क्या भारत में प्रांतों के पास सारी प्रमुख शक्तियां हों और केंद्र के पास केवल रक्षा, विदेश नीति जैसे विषय हों। यह निर्णय लिया गया कि देश की एकता को सुदृढ़ करने के लिए तथा उसमें सामाजिक बदलाव लाने के लिए भारत में एक शक्तिशाली केंद्रीय शासन की जरूरत है। साथ ही साथ यह भी तय किया गया कि प्रांतों के स्तर पर भी कई विषयों पर निर्णय लेने के अधिकार हों। दरअसल भारत को प्रांतों का समावेश या संघ माना गया, अतः देश में दो स्तर पर सत्ता का वितरण हुआ, संघीय या केंद्र स्तर पर तथा प्रांतीय स्तर पर। दोनों स्तर पर चुने गए प्रतिनिधियों को निर्णय का अधिकार दिया गया। 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों के तीसरे स्तर तक सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया। शक्ति विभाजन। राज्य या शासन के पास जो शक्तियां हैं वे तीन प्रकार की होती हैं, कानून बनाने, उसे लागू करने तथा उसके अनुसार न्याय करने की। किंतु ये तीनों शक्तियां एक ही संस्था या व्यक्ति में केंद्रित हो जाएं तो वह निरंकुश शासक हो सकता है। शक्ति विभाजन का अर्थ है इन शक्तियों को अलग करना और स्वतंत्र संस्थानों को सौंपने, जैसे कि आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा। लोकतांत्रिक क्रांतियों का एक मुख्य उद्देश्य शक्ति विभाजन था। इस प्रकार आधुनिक सरकार के तीन अंग हैं, विधायिका जो कानून व नीतियां बनाती है, कार्यपालिका जो उन्हें क्रियान्वित करती है तथा न्यायपालिका जो उनके अनुसार न्याय करती है। शक्ति पृथक्करण। शक्ति विभाजन सिद्धांत के अनुसार कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका में से प्रत्येक अपने कार्यक्षेत्र में स्वतंत्र है तथा उसे किसी अन्य पर नियंत्रण की शक्ति प्राप्त नहीं होती। लेकिन वास्तव में यह संभव नहीं होता, क्योंकि तीनों के काम एक दूसरे पर निर्भर हैं और उन्हें मिलकर चलना होता है। भारत में सीमित शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया गया है। यहाँ संसदीय लोकतंत्र है, जहाँ न्यायपालिका की स्वतंत्रता तो पूर्ण है पर विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे पर निर्भर है। इस प्रणाली में कार्यपालिका मंत्रिपरिषद, विधायिका संसद का ही अंग होती है। मंत्रिपरिषद के सदस्य संसद के भी सदस्य होते हैं और उसके प्रति जवाबदेह हैं। दूसरी ओर कार्यपालिका, जिसका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, संसद के सत्रों को बुलाती है और अन्य तरीकों से भी विधायिका के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकती है। यानी कार्यपालिका और विधायिका दोनों एक दूसरे के साथ गुथे हुए हैं। 13.1.1 संघीय विधायिका संसद। हमारी संघीय विधायिका को संसद नाम दिया गया है, जो राष्ट्रपति और दो सदनों लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। भारतीय संविधान की विशेषता यह है कि कार्यपालिका यानी मंत्रिमंडल संसद का ही हिस्सा है और संसद के प्रति जवाबदेह, उत्तरदायी है। संसद देश की राजनैतिक व्यवस्था की नींव है, जिसमें जनता की संप्रभुता का समावेश एवं सार है। संसद राष्ट्र की आवाज़ है।
संसद में समाज के सभी वर्गों और देश के सभी क्षेत्रों का समुचित प्रतिनिधित्व होता है। इस व्यवस्था में अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, लेकिन यह पाया गया है कि संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अपेक्षा से बहुत कम है। इस कारण कई वर्षों से एक संविधान संशोधन विचाराधीन है, जिसके अनुसार संसद में महिलाओं को कम से कम 33% आरक्षण मिले। सांसद सीधे या अप्रत्यक्ष तौर पर जनता द्वारा चुने जाते हैं और जनप्रतिनिधि जनता से संबंधित समस्याओं और शिकायतों को संसद में व्यक्त करते हैं। संसद में नीतिगत मुद्दों तथा कानून से संबंधित प्रस्तावों और मंत्रिमंडल के प्रस्तावों को विचार विमर्श करके पारित किया जाता है। कार्यपालिका मंत्रिमंडल के कार्यकलापों पर बहस होती है और उसकी जवाबदेही को सुनिश्चित किया जाता है। इस प्रकार सरकार की निरंकुशता पर नियंत्रण रखने में संसद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।